धान खरीदी व्यवस्था को लेकर इस बार शुरुआत से ही हर रोज कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा होता ही रहा है। पहले समर्थन मूल्य से अधिक पर खरीदी करने पर केंद्र द्वारा लेने से इनकार, फिर इसके बाद भी किसानों का धान 2500 में खरीदने का भूपेश का दावा, फिर 1815 में भी खरीदी का ऐलान और बाद में फिर कमेटी की रिपोर्ट के बहाने विराम लगने के बाद मनमाने ढंग से रकबा घटाने और बवाल के बाद भौतिक सत्यापान का हवाला देकर अंत में सबका रकबा कम किया जा रहा है। किसान हर दिन इस बदलाव से परेशान है और फिर एक नया फरमान लागू कर दिया गया। इस फरमान के तहत प्रति खरीदी केंद्र को और किसानों को लिमिट तय कर दी गई है, जिसके तहत पूरे दिन धान खरीदी होने पर भी तकरीबन 30 से 40 फीसदी धान नहीं खरीद सकेंगे। इसके तहत किसान एक दिन में 15 क्विंटल से अधिक धान और 3 बार से अधिक नहीं बेच सकेगा, चाहे उसका कितना भी रकबा और लिमिट हो। इससे आज उड़ीसा के सीमांचल दुलोपाली डोंगरीपाली अंचल के 43 गाँव के 1500 से अधिक किसानों का आक्रोश देखने को मिला। इन किसानों ने खरीदी केंद्र और किसानों के लिए प्रति एकड़ 15 क्विंटल की सीमा के अलावा आए दिन किए जा रहे लिमिट बनाकर किसानों को कोऑपरेशन करने के विरोध में कलेक्टर के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्था में बार बार बदलाव ना कर सुचारू रूप से धान खरीदी करने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दे दी है। आक्रोश परवान पर है किसानों का हर तरफ अब सुई फुर्तित आंदोलन करीब करीब तय है। रायगढ़ जिले में जो किसान जंगी आंदोलन की तैयारी में है, अगर आंदोलन की चिंगारी छत्तीसगढ़ के सीमांचल से सुलगने लगी है जिससे समय रहते सरकार को कदम उठाना होगा, अन्यथा निकाय चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर पहले जिस भूपेश सरकार को लेकर किसान दिन रात तारीफ के फूल बांधते नहीं थकती थी, अब इस खरीदी व्यवस्था से उनके ही खिलाफ खुलकर विरोध करने उतारू दिख रहे हैं। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट।